भाई 2200 रुपये का खर्चा है, 2200 रुपये का, 2200 रुपीज़ का खर्चा आपको पड़ने वाला है सीधा सीधा। तो भाई बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास, मैं तो बोल रहा हूँ कि MT है या फिर आपके पास R15 है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। हमारे बाइक में होगा थोड़ी सी गड़बड़ी, जो गड़बड़ी को फिक्स करने के लिए आज हम जा रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया होगा मैंने, सर्विस वाले वीडियो में मेरे, कि हमारी बाइक का जो है रेडिएटर गार्ड जो है वो हो चुका है ख़राब, और उसको सही करने के लिए जो है हमको जाना पड़ेगा शोरूम, क्योंकि हमने ऑर्डर पे डाल दिया था वैसे भाई रेडिएटर गार्ड, बट उस टाइम पे वो एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं रहता है, वो ऑर्डर पे ही आता है, तो फिर 10 दिन उसमें लग जाते हैं आराम से। पर कोई बात नहीं, तो फिर 10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, अब चलते हैं और फटाफट से जो है रेडिएटर गार्ड, नॉट ए रेडिएटर गार्ड ऑब्वियसली बताऊँ तो, रेडिएटर फ़ैन जो होता है वो ख़राब होता है, रेडिएटर कुछ ख़राब नहीं होता है। तो अंदर का फ़ैन जो है वो 2200 रुपये का आता है भाई, बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो वो है सर्विस पीरियड पे है, हमारी वारंटी पीरियड पे है गाड़ी, इसलिए वो फ्री में होगा काम। और ये वाली जो है रेडिएटर फ़ैन वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों के साथ आ चुकी है अभी तक मेरी नज़रों में। ये एक इशू है MT-15 में जो कि मेरे को फील हुआ, जय बजरंगबली। तो अभी चलेंगे वहीं पर और फटाफट से जो है चेंज करवाएंगे रेडिएटर फ़ैन को, एंड देन वी विल चेक कि क्या होता है। क्योंकि जब से मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ यार, रेडिएटर फ़ैन ना चल नहीं रहा था। मैं मतलब पहले क्या होता था, पहले हम जब उज्जैन राइड पे गए थे, आपको पता होगा जब क्या होता था कि बिल्कुल रेडिएटर फ़ैन बहुत बढ़िया चलता था एकदम चकाचक से, अब नहीं चल रहा रेडिएटर फ़ैन। तो मेरे को ऑब्जर्व हुआ, मैंने उस दिन चेक करवाया, डायग्नाइज करवाया, तो जब पता चला कि भाई फ़ैन चल नहीं रहा है, जिस वजह से आपके इंजन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर फ़ैन चेंज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो करवा देते हैं चेंज, चलते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक को क्लियर करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपको। तो एक और चीज़ यार, बाइक में बिल्कुल जो है ना टायर पंचर वंचर हो जाता ना, तो पता ही नहीं चलता भाई कि बाइक का टायर पंचर है। मैं काफ़ी दिनों से बाइक चला रहा हूँ मस्त भयंकर तरीके से, बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ, वो पता चल रहा है कि बाइक का टायर पंचर था। एक दिन मैंने पेट्रोल रिफिल करवाया, उसके बाद मेरे को हवा आई कि 16, फिर जाके मेरे को पता चला भाई, उसने बोला कि यार भैया एक बार चेक करवा लो, पंचर वंचर ना हो, इतना कम हवा गया भाई साहब। तब जाके मेरे को पता चला कि इसकी है, इसकी टांग पंचर भी होता है टायर। और हाँ, उससे वैसे मेरे माइलेज पे फ़र्क पड़ा है जहाँ तक मुझे पता है। अभी माइलेज आ रहा है हमारा 49.7 का, देख रहे हो 0. अरे भाई क्या लोगे, भाई क्या लोगे, उनको कूट दूंगा बहुत जोर से मैं किसी दिन। पंचर सही करवाओ ना, उसके बाद जो है गाड़ी वो टंटनाट भगती यार, भयंकर भयंकर। आगे चलते हैं यार, मज़ा आ रहा है मेरे को तो आज बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा। पर यस, रेडिएटर फ़ैन जल्दी जल्दी सही हो जाए तो साला हमारा इंजन का कोई इम्पैक्ट थोड़ा जो बच जाएगा यार। डर लगता है भाई, नई नई गाड़ी का इंजन अगर कुछ चीज़ वीज हो गया ना तो बैंड बच जाएगी। भाई फुन तुन 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 इतना ही टाइम लगता है भाई MT को निकलने में, मास्टर ऑफ टॉर्क बेबी, समझ रहे हो ना, इसीलिए MT फेमस है भाई। तुम थोड़ा से बिल्कुल जो है बिल्कुल हो जाता है, फटाफट से गाड़ी निकल जाती कहीं से भी भाई हाँ हेलो कर रहा था लोल भाई, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे भी करता था यार, आई लाइक इट ब्रो। शीक चेक शो चलो भाई पहुँच गए। तो चलो भाई लोग, फाइनली अपन ने लक्की भाई को कर दिया है टाटा बाय बाय, और हमारा गाड़ी का रेडिएटर हो गया है चेंज। और तो हुआ कुछ सीन ऐसा कि चलो सीन बताता हूँ।
तो सीन ऐसा हुआ है कि भाई रेडिएटर चेंज हुआ है क्योंकि वो वारंटी में था, तो इसके चक्कर में जो है उन्होंने वाला फ़ैन को रख लिया। अब वो रिपेयर के लिए जाएगा या जो भी होगा, जैसा भी होगा वो मेरे को नहीं पता। और उन्होंने वो फ़ैन मैं दिखा नहीं पाया आपको कि यार उन्होंने बहुत जल्दी चेंज कर दिया। उन्होंने पहले बोला था कि टाइम लगेगा, थोड़ा बॉडी वॉडी खुलेगी, पर बॉडी ऐसा कुछ नहीं खुला, थोड़ा सा खुला था बस, सीट वीट खोला उन्होंने और बॉडी वॉडी ऐसा कुछ नहीं खुला, सीधी सट बात है। तो वो खोल दिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया आराम से। तो वीडियो आप देख लेना, ये सब वीडियो में सब दिख जाएगा आपको कि कुछ ऐसा चेंज हुआ है। तो उन्होंने डाला और बस चेक करा तो बस सब कुछ रिपेयर हो गया ऑलरेडी। तो भाई अगर आपका भी कुछ ऐसा सीन है ना, तो अगर आपके पास, मैं तो बोल रहा हूँ कि MT है या फिर आपके पास R15 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास ये दोनों बाइक हैं तो एक बार जो है, जैसे 2-3 महीने हो चुके हैं बाइक को, तो एक बार अगर अंडर वारंटी में है तो डेफिनेटली है ना, आप एक बार चेक कर लेना उस चीज़ को कि आपका रेडिएटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका रेडिएटर ख़राब होगा और आप अच्छी खासी राइड पर जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपका इंजन हीट होगा तो वो कूल नहीं हो पाएगा अच्छे से। और लिक्विड कूलिंग सिस्टम ही इसलिए है कि वो कूल करे उसको और अच्छे से अच्छा रखे। उसकी वजह से आपके जो है एवरेज माइलेज वगैरह में फ़र्क पड़ेगा, आपके इंजन के उस पर फ़र्क पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, लाइफ पे। तो ये ज़रूरी चीज़ है। और मेरे को भी एकदम से ही ये चीज़ क्रैक करी थी दिमाग में कि यार एक बार इंजन इसका चेक करवा लूँ मैं थर्ड सर्विस में, और करवाया तो देखो आप खुद कि ख़राब था सही में भी। तो यही बात होती है, तो भाई ख़राब होगा देखो सीधी सीधी बात है, तो चेंज हो जाएगा अंडर वारंटी। और अगर आप में अंडर वारंटी नहीं है गाड़ी और ख़राब हो गया, तो भाई 2200 रुपये का खर्चा है, 2200 रुपये का, 2200 रुपीज़ का खर्चा आपको पड़ने वाला है सीधा सीधा। तो भाई बता रहा हूँ वारंटी में करवा लो चेंज, क्योंकि अगर ऐसे पड़ेगा तो सीधी सट बात है फिर लंबा खर्चा जाएगा। और MT में यामाहा में, यार यामाहा का मेरे को इस चीज़ में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि यार रेडिएटर फ़ैन ऐसे ख़राब होना और कुछ ना क्रैश हुआ ना कुछ हुआ, बिना क्रैश के नॉर्मल जनरल यूज़ में जो है ख़राब होना, यार थोड़ा सा ना सही नहीं लगता मेरे को। मतलब यार भाई ऐसे कैसे ख़राब हो सकता है भाई, फ्री था हमारा बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से बड़ी स्मूथली जो है उन्होंने जो है चेक वेक करके बढ़िया बता दिया। और कितने टाइम में एकदम अवेलेबल, बहुत मुश्किल से ही रहता है सब चीज़ें इनके पास, आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है, फिर ऑर्डर के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जो है ये चीज़ जो है आपको मिलेगी। तो यही कुछ था वीडियो के लिए, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं है, छोटी रहेगी। तो टाटा बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी अच्छी वाली होगी, घूमने फिरने वाली होगी।